ये देखो ये कितना प्यारा है, ये क्या है, वो डालेंगे इसमें दे ऊपर दो निपल, दे दो, ऊपर आओ ऊपर आओ दे ऊपर दो आया। निपल दो। अच्छा मम्मा आपको वो देंगी, चलो अम्ब्रेला देंगी, अम्ब्रेला लोगी? हाँ तो फिर निपल दो जल्दी, माशू निपल दे दो। बंदर दिखाओ ये दो, और बंदर दिखाओ, अब बंदर दिखाओ, वेरी गुड। बंदर कहाँ है? नहीं इधर नहीं है, नहीं कहाँ है बंदर, दिखाओ कहाँ है? आने वाला आने वाला, रिएक्शन देखना, आने वाला आने वाला आने वाला आने वाला। कहाँ है बंदर? बंदर कहाँ है? ये बंदर है। अच्छा, और ये कौन है? ये कौन है? पढ़ाई करने से बंदर ही पढ़ाई करते। ओह अरे बस 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 बस। अच्छा ये अभी देखो, काऊ काऊ आने वाली है, रुक जाओ, काऊ काऊ आने वाली है, काऊ काऊ, आई 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 आई, इसे ऐसे चीज। बस हो गया हो गया, बाकी और ये किसी एनिमल को नहीं चाहिए, गाय और बंदर ये बच जाते आराम से, ये तो फ्रेंडली जानवर है। क्या ये कौन सी है? चिया? दूसरी है, दूसरी चिया। नहीं नहीं ये नहीं, अरे चिया गाय, गाय चाहिए सबको, गाय चाहिए, गाय चाहिए। रैबिट गाय, कैस्पर गाय, कैस्पर कौन, कैस्पर कौन, जल्दी बता। वो कैसर वो रहा पापा आपके पीछे, खाओगी दिन। दिन ये क्या है? दिन, दही है, दही को मायशो दिन और दही बोलती है, बस इतना ही बोल पाती है। यमी लगता है आपको? खा लो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। किसी कर दो फ्लाइंग, किसी कर दो जल्दी से, वाह। वेलकम बैक टू माय चैनल शासस व्लॉग। मायशो वैसे अब सच बताऊँ, मायशो के बिना तो मुझे नहीं लगता व्लॉग कभी कंप्लीट हो ही सकता है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी का सबसे अहम 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 हिस्सा है। और आप लोग कमेंट करके बताना आपकी ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा कौन है, मतलब ऑब्वियसली जिसका बेबी नहीं है उसके लिए कोई और हो सकता है, पेरेंट्स हो सकते हैं, हस्बैंड बॉयफ्रेंड, कोई भी, कमेंट करके बताना, कमेंट्स तो मैं रीड करती हूँ। हाँ मेरा बेटा, पर मेरी ज़िंदगी में काफ़ी सारे अहम हिस्से हैं, बट मायशो इज़ टॉप पे, ठीक है। आई लव यू मेरी शोनी, मैं मायशो इतना सुंदर लगने लगा, इतना सुंदर, इसकी छोटी छोटी मैं तो चोतियाँ बनाती हूँ, पल इसके बाल कर्ली, आई डोंट नो किस पे चले गए हैं। खाओगी बेटी? खुद से खाओगी क्या? चलो खा लो, खुद से खा लो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मायशो बहुत जल्दी जल्दी बड़ी हो रही है। मायशो ऐसे करके दिखा दो, वो 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 वो, अरे रे अरे रे, ओह उसने संभाल लिया। तो सुबह की शुरुआत हो चुकी है, मुझे पूरा कमरा साफ करना है, और मैंने घर से अपने मतलब पुराने घर से यानी मायके के घर से कुछ चीज़ें मंगवाई थी, तो उसको सेट करना है, लाइक मेरा बड़ा वाला शीशा, कुछ ड्रॉज, एक टेबल, तो उसको सेट करना है। और मुझे आज मायशा की वैक्सीनेशन है, क्योंकि मायशा की क्योंकि उस वैक्सीनेशन से ना मायशा को 3 दिन फीवर आने वाला है। तो फहीम की शादी थी, उसके बाद हम लोग बाहर चले गए, फिर मम्मी चली गई, फिर बीच में मेरी भी मेरे को भी बुखार वायरल हो गया था, तो हम थोड़ा सा लेट हो गए। और बट आज फाइनली वैक्सीनेशन की अपॉइंटमेंट ले लिए डॉक्टर से, हम डॉक्टर राहुल नागपाल को दिखाते हैं, जो कि बसंत कुंज में बैठते हैं। काफ़ी सारे लोग दिखाते होंगे क्योंकि मुझे काफ़ी बार लोग मिल चुके हैं वहाँ पे, तो अभी बट उससे पहले एक बहुत स्पेशल चीज़ होने वाली है, बट मेरी बेटी ने मेरा काम और बिगाड़ दिया, मैं उसको समेट लूँ। नहीं खुद से खाती है, देखो अभी स्पून मांगू नहीं देगी, लाओ दे दो, दो छोड़ो, मैं खिलाऊंगी, मम्मा खिलाएंगी, मम्मा खिलाएंगी, खा लो, देखो कह रही नहीं, ओके ठीक है, फिर आप मायशु देख ले, ये बंद कर, अब तकला होने वाला है मायशु भी। मायशु ये क्या करवा लेगा, करवा लेगा, करवा लेगा, करवा ले, तो आ जा, आए कैसे पर भरा देख नहीं पाऊंगी, इतने बड़े बाल देखने के बाद ना अब ऐसा लगेगा मायशो गंजा देखना बहुत फनी, पर होना पड़ेगा क्योंकि मायशो पैदा होने के बाद एक दो बार हुई थी, एक टाइम पीरियड तक, अब फाइनली कराएंगे 2-3 बार एक साथ, उसके बाद फिर हम मायशो के बाल बढ़ाएंगे। हाँ फिर बाल बढ़ाएंगे, बहुत क्यूट लगते हैं बाल, पर अब क्या कर सकते हैं, कराना पड़ेगा, अच्छे बाल आते हैं, दोबारा वो पहले टकलू है, अच्छा लगेगा, पर हमारी मायशो कैसे लगेगी, मायश यार वो तो पहले से गंजा है, उसमें इतना फर्क नहीं पड़ेगा जितना मायशो का होने वाला, तू पता था टकला होने वाला है, Thank you.
A few moments later. शु, अब क्या होने वाला है? दादू की कटिंग. दादू की नहीं, अब मायशु की होने वाली है. मायशु के बाल उतरेंगे. ये क्या है मामा के पास? ये हमारा मायशु के लिए जुगाड़ है. नहीं नहीं लोते नहीं. चलो बच्चों पुराना बेटा और करवा लेना, क्योंकि अभी जीगू ने तो रो रो के हालत. हमने मशीन वाला कराएंगे पहले. मशीन वाला? हाँ फिर. हाँ ये पहले ठीक है. पहले ऐसे ट्रिमर लगा के फिर उसके बाद बाल उस तरह करवा देंगे तो ठीक से हो जाएगा. कार्टून भी चला के निपल भी दे दिया. बस मायशु करवा ले. फिर उसकी पहले की पिक्चर ले ली है कि मेरी बेटी कैसी लग रही थी. यार मैं पता नहीं क्यों जिंदगी में अपने लिए इतना बुरा लगा जितना तेरे लिए लग रहा है. सही में हमारी भी सच में जिंदगी में कभी अपने लिए भी इतना बुरा नहीं लगा जितना अंदर से धक-धक हो गया पार्टनर के लिए कि यार हमारा बच्चा कैसे. अभी से ये ना हो गया. आई सेड यू तू दो दिन सामने मत आइयो. क्या कर रहे हो? ऐसा कर रहे हो? सुंदर लग रहा है. ऐसा लग रहा था पापा. ऐसे छोड़ दो, सच बता रहा हूँ. वो लग रही है इट मूवी का जो नहीं है, इट मूवी का जो जोकर है, जो होता है डरावना जोकर. साइड साइड में बाल बीच में आ गई. जोकर और बेटी जोकर है. अरे वो इस वक्त डिजाइन वही है पापा. मायशु अब अपने सर पे हाथ लगाएगी. वो बाल तो खा लिया है. दादू चैम चैम. दादू चैम चैम. देख लो सेम सेम. वैसे दादू के पास शाइन है. लड़के तो नींद मेरी मैडम को नींद आ चुकी है. देखना पापा आंखों में नींद आ गई. भाई जगह जब छोटे बच्चे होते हैं दादा सो जाता है. से बनाते वाली शर्त से बनाता है. दादा की हरकत है. माशु पापा ये हमारी बेटी लग रही है, बदल गई है पूरी. माशु तो यहाँ गलती से आ गया. तू चारों तरफ किराए दारों में लगी देखा. अरे प्यारा बच्चा है यार. मायशु के बाल है कोई ना, फिर सच आएंगे. अब नहीं कटाएंगे. ठीक है सोनी, अब नहीं कटाएंगे. अपने बेटे के बाल लंबे लंबे छोटी छोटी करेंगे. तो यहाँ पे अभी नीचे आई हूँ मैं. सो यहाँ पे हमारे समर कलेक्शन रेडी हो रहा है. तो सुंदर है. लाइक लुक एट दिस फ्लोरल प्रिंट. कितना सुंदर है. तो बिल्कुल गोवा वाली वाइब्स दे रहा है. यू नो बीच वाली वाइब्स. ये बहुत ही सुंदर फ्लोरल है. आई लव दिस वन. दिस इज माय फेवरेट वन. तो यहाँ पे समर का कलेक्शन रेडी करवा रहे हैं हम. बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा. प्रोग्राम चल रहा है समर्स में. हम बहुत सुंदर कॉर्ड सेट निकालने वाले हैं, क्योंकि मेरा भी दिल था हमेशा से कि मैं कॉर्ड सेट देखूँ. वैसे कुर्तीज़ भी आएंगी. चलो मायशा नहाएगी, क्योंकि बाल काफ़ी चिपके होते हैं ना, तो नहाने से साफ हो जाएगी और हल्का भी फील करेगी वो. बुआ आ गई है. कमाक्षी की. कमाक्षी बुआ आ गई. थोड़ा अंधेरा हो रहा है. मायशु क्या हो गया? बुआ देखना नहीं चाहती उसे यार. वो सच में बहुत अलग लग रही है. और हम लोग भी सच में ना उसका सिर्फ टकले टकले. जीहू को देखा पर इसका फर्क नहीं पता. हाँ क्योंकि वो वैसे भी था. गई कॉलेज में तेरा काजल फैले हुए. अरे वो मैं ऐसे रख ऑटो में. दूर से नहीं आ पा. तुम बहुत ध्यान दे. यहां नहीं है मम्मी के. मम्मी लेट. चला जा. चलो 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 जल्दी चलो. ये पड़ोसियों का हम उठा ला एक्सचेंज कर ला. कमाक्षी इतना बड़ा बच्चा है ना, इतना लड़का. ये लड़का किसका पड़ा हुआ है देखना. मजाक मत करना. पोती का दोनों पे उस तरह फेर दूंगी. मैं तो मजाक बना रही. मम्मी मैंने क्या बोला? मेरी बच्ची प्यारी लग रही ना. दोनों मजाक बना रहे. पहली बार वो हमारी बच्ची नहीं लग रही. क्या मेरी बच्ची प्यारी लग रही है? सुंदर लग रही है. है ना सुंदर लग रही है ना. अभी आगे बढ़ते हैं. उम्र कितनी बड़ी लग रही है इसकी उम्र. साल भर से ना वही देख रहे हैं ना बालों में. और मैं तो चोटी भी बनाना शुरू कर चुकी थी. प्यारी प्यारी फुग्गे जैसी. और मेरे बाल कल चल का अक्षय सोच तेरा तो हमने पांचवी छठी सातवीं क्लास में कराया. हां यार मेरे को तो उतने मेरे को तो बड़े पे धंधा करते थे लोग. हंस रही है कौन? कौन? मम्मी. मम्मी अब उठ जाएगी. अब क्यों हंस रहे हो? उठ जाएगी. अब मजाक बना रहे हो उसका. नहीं मैं तो तुम कैमरे के सामने बना रहे हो. मम्मी कह रही तुम कैमरे के सामने बना रहे हो. अरे सॉरी है आराम से. जिगू ने जो आतंक मचाया है वो तो गंजा होने के दो घंटे बाद तक रोया. और मायशु आराम सॉरी है. सर पे उस तरह चल रहा है. बड़े सॉरी. ये मेरे पे गई है. बाल पे हाथ लगाती नहीं जाती मम. और नाती नाती मैं टावल लपेटा सो. मैं कहूँ इसको क्या हुआ? इसने तक अपने सिर पे हाथ लगा के देखा.
अब तक नहीं देखा ना, ये दूध पीते हुए हाथ लगाती है सर में। तुझे पहली बार गंजा हुआ था ना, बुखार आ गया था तेरे को रास्ते में। ये मुझे तो बालों से प्यार है ना। अच्छा, एट क्लास में टकला करा दी थी बुढ़ापन ने जाके चुपचाप, और माजी और ताऊ से जो पिटा थे ना फिर बाप बुढ़ापा, ऐसे ही चलते कुछ कुछ दिखा के लाता और गंजा करा ला। एट क्लास में फिर बहुत पिटा था बुढ़ापा। एट में तो वो हो जाता स्टाइल, जवान लड़की यार। हमें इस डेढ़ साल के बच्चे के लिए बुरा लग रहा है सोचो ना। यार नाइन्थ क्लास में छोड़ा आपने मेरे को भी कराया था, और अक्षय टेंथ क्लास में। हाँ, मैं मामा के गई थी यार। मैंने बताया मैंने स्कूल में क्या भना मारता कि एक्सपायर हो गया कोई अपना क्लोज सच में। मम्मा माइशू कह दो मम्मा आई लव यू लव यू करने का मतलब ये थोड़ा है कान नोच लोगी बेटा। माइशू बोल दो लव यू। हाउ लव यू नहीं बोल पाती बेचारी, हाउ बोल पाती है। बेस्ट सॉन्ग है जिप्सी गाइस। आप अपने बच्चों के फेवरेट सॉन्ग बताना, मतलब लिटरली वो प्रांजल धारिया का जो सॉन्ग है ना जिप्सी मेरा थानेदार, मतलब उसको गाना सुनते ही इतनी ओवर एक्साइटेड हो जाती है और डांस करना शुरू कर देती है। थोड़े दिन पहले जब हम माइके गई थी ना मैं, तो वहाँ पे जोया जारा इस गाने पर डांस कर रही थी, माइशो उसके साथ ही डांस करने लग गई थी। तब से मुझे लगता है इसको ये गाना बहुत पसंद आ गया है ना। जिप्पी ओके। सो हम मायशा की वैक्सीनेशन के लिए जा रहे हैं, उसका लास्ट मंथ था वैक्सीनेशन, बट उन्होंने कहा था कि फीवर आता है इससे, तो इसलिए हम ब्रेक दे के लगाएंगे। और क्या थी 15 मंथ में लग रहा है तो नहीं करते, चलो बिलो ही लो ही होगी इस वैक्सीनेशन से मायशा को, तो 3 दिन फीवर आएगा। बट हम चाहते थे कि सब लोग हों, क्योंकि कुछ टाइम मैं नहीं थी, कुछ टाइम मम्मी नहीं थी, फंक्शंस थे तो अब मायशा आराम से हम लगवा के अब उसे हम देख पाएंगे 2-3 दिन आराम से। सो यस ए फ्यू मोमेंट्स लेटर पापा क्या कर रहे हैं, हाय कर दो पापा को, हाय कर दो जल्दी से, पापा बॉल पे फोन में बात कर रहा था, उनमें से बॉल 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 चिल्ला लगी, मेरा दिला रहा हूँ दिला रहा हूँ दिला रहा हूँ। हमने भी कभी किया होगा अपने माँ के साथ कुछ हो गई। और ये वाली बड़ी छोटी भी नहीं बड़ी बात आ जाओ, क्या लिया दिखाओ बेटी, आज क्या लिया आपने, आराम से गिर जाओ। अच्छा बॉल पापा ने ले रखी है, आप इसको आराम से लेके चलो, चलो चलो आ जाओ मम्मा के साथ, चलो पापा के पास चलो, आ जाओ बॉल पापा के पास चलो। माइशु को पफ कॉर्न्स पसंद है, माइशु ने अपने पफ कॉर्न्स पसंद करके कुछ चल दी। अच्छा ये बच्चा सामान का आसमान लग गया अब रियल फीलिंग आ रही है बच्चा होने की, फिंगर्स उठा लिए मैंने, कहा नहीं बेटे 100 रुपए के आ जाओ मम्मा फाड़ के देंगी, चलो इधर पहले अंदर चलो। यम्मी अब 2 वैक्सीनेशन लगी हैं, एक लगनी थी पर डॉक्टर ने जो आने वाले टाइम की वो भी लगा दी, क्योंकि दोबारा जाना पड़ता 4-5 दिन बाद, तो 4-5 दिन बाद आना, तो दोनों सही फीवर है। उसको लगा यार मेरा बच्चा रोया तो ठीक है यार, उसके अच्छे के लग रहा है, और हमने सोचा कि चलो थोड़ा सा ट्रीट दे देते हैं मायशा को, इसलिए मायशा ने तो बलून वो ले लिया अपना, एक बलून ली वहां से निकलते ही वो बॉल ली और अब आइसक्रीम, मजा आ गया। अभी हम पेट्रोल भरवा रहे हैं पेट्रोल पंप पे और हम घर वापस जा रहे हैं। बीच हमने छोटा सा एक टी ब्रेक लिया था, मैंने और मैंने इसको जाती ही मुझे दो इसको फीवर के लिए वैक्सीन मतलब मेडिसिन दी है। चलो कोई नहीं, घर मिलके बात करते हैं आराम से, बहुत भीड़ हो रही है यहाँ पे। गुड मॉर्निंग गाइस, आज मैं थोड़ा सा जल्दी उठ के सबसे पहले मैं फ्रेश हुई एंड मैंने अपना ब्रेकफास्ट भी आज जल्दी कंप्लीट कर लिया, क्योंकि मुझे आज कुछ ज़्यादा ही काम था, तो मैंने कहा कि आज के दिन की शुरुआत जल्दी करते हैं, क्योंकि लेट शुरुआत करेंगे तो सारी चीज़ें लेट होंगी। अच्छा कल वैक्सीनेशन के बाद डॉक्टर ने कहा था कि मायशा को फीवर आ सकता है 2 दिन, बट बहुत एक्सट्रीम फीवर नहीं, तो टच वुड मेरे बच्चे को बिल्कुल भी फीवर नहीं आया है। हर 6 घंटे पर मैं दवाई दे रही हूँ, पैरासिटामोल और क्रोसिन जो भी उन्होंने बोला उस तरीके से, और मायशा को फीवर नहीं आया, वो बेस्ट बात है। मायशा भी बहुत एक्टिव भी है, 2-2 वैक्सीनेशन एक साथ लगना है बच्चे के लिए हो जाता है। बस यही मैं अपडेट अब दूंगी कि बस एक, अब मैं भी यही लेटे लेटे कह रही थी, मायशा को आज सुबह सुबह अच्छा से तेल लगा दिया,
मैंने मॉम्स को का एक तेल भाभी ने सजेस्ट किया था, वो मैंने बहुत पहले भी लिया था कि उससे बालों के बच्चों के लिए ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है, तो मैं वही यूज़ कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ बस एक हफ्ते में मैचिंग बाल थोड़े बहुत आ जाए, क्योंकि इतने टाइम से आदत हो गई उसे बालों में देखने की, तो अब ऐसा देखने में बहुत अजीब लगता है कि यार सडनली बच्चे का बाल नहीं है। बस मैं यही बोलूँगी कि आप लोग भी दुआ करो जल्दी से मायशो के बाल बड़े हो जाए और इस बार हेल्दी और हेल्दी बाल आए। और यस मायशो स्लीपिंग, सो या दैट वाज इट फॉर दिस ब्लॉग। अच्छा लगा हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अब नेक्स्ट ब्लॉग मोस्ट प्रॉबली होने वाला है, घर में एक और नया कपल आने वाला है लंच या डिनर पे, जैसा उनका कंफर्टेबल रहे। कौन सा नया कपल हो कमेंट करके बता देना, मुझे पता है 90% लोग कहेंगे फहीम और रुखसार, मतलब मेरा भाई और भाभी। इसके अलावा एक और नया कपल है और एक और नया कपल आने होने वाला है, शादी बहुत जल्दी होने वाली है, तो आई एम वेरी एक्साइटेड। घर में ना जब ये माहौल होता है तो बहुत अच्छा लगता है। सो या बाय।